हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर आपको पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं, तो एक एक अफवाह है आपके बारे में। सर आपके बारे में अनिल सर की न्यू बॉर्न बेबी के अलावा और किसी को अपने से छोटा नहीं मानते आप? ये सच नहीं, मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं अपने से छोटा हूँ। That's the spirit, man. That's what. अच्छा भाई आपके बारे में ये फायदा कि आपने कोई पेंशन प्लान नहीं ले रखा, बल्कि उसी जगह गोलमाल और धमाल की फ्रेंचाइज साइन कर रखी है। अब पागलबंदी भी है, मैं यही कर रहा हूँ बस, यही ये बेस्ट रास्ता है। इससे अच्छी पॉलिसी हो ही नहीं सकती एक्चुअली। ये लोग भी उसमें आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, ऐसे शर्मा शर्मा के बैठे, बट ये लोग शुरू है। जॉन आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर में बहुत सारे स्पीकर हैं और जब गणपति आता है तो आप किराए पे भी देते हैं। ये स्पीकर्स सच में आपके पास बहुत सारे हैं? हाँ बहुत सारे हैं, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक और स्पीकर्स का बहुत शौक है मुझे। 58 स्पीकर्स है मेरे घर में। वाह 58 बाइक स्पीकर, इतनी सारी चीजें, इतने पैसे कमा के चप्पल पहन के घूमता है। डाउन टू अर्थ आदमी है। उन्होंने तो कहा था सोफा बैठा दो, मैं अर्थ पे बैठूंगा। ओके अनिल सर, एक अफवाह ये आपके बारे में कि जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको कोई जोक नहीं सुनाता, क्योंकि हंसते ही आपकी आंखें बंद हो जाती, गाड़ी टूट जाती है। ये सुपरमैन। अर्शद भाई आपके बारे में ये अफवाह कि आपकी वाइफ जब भी कॉस्मेटिक्स खरीदने जाती हैं तो आपको साथ में ले जाती हैं, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप कॉस्मेटिक सेल्समैन थे, तो बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं। नहीं यार ऐसा नहीं होता, मुझे कहीं नहीं ले जाती। जॉन आपके बारे में ये फायदा कि आप सर्दियों में कंबल लेकर नहीं डंबल लेकर सोते हैं। पर सीरियसली ऐसा होता है कभी? नहीं मेरे घर में जिम है। घर में जिम है कि जिम में आपका घर है? जिम के अंदर थोड़ा सा घर है। मैं गया था इनके घर। अच्छा। मेरे पास सोफा की तरह, सोफा नहीं सिर्फ यही है। वैसे अनिल के बारे में एक अफवाह नहीं सुनी कि अनिल एक्टर बनने से पहले डांसर थे, है ना? हाँ मैं डांसर। हाँ ही वाज अ डांसर। अभी तक नहीं आया डांस। लगता है इसीलिए एक्टिंग शुरू कर दी। डांस तो होगा नहीं मुझसे, एक्टिंग करते हैं। बट कोरस में डांस किया ना तुमने? या बैकग्राउंड में किया मैंने। अमेजिंग। अर्शद आपका भी सुना है कि जब फिल्में वो होती थी साइलेंट, उनमें भी काम किया आपने? बिल्कुल। डबिंग आर्टिस्ट थे उसमें? हाँ, मैं डबिंग में बोलने वाली थी, डबिंग आर्टिस्ट थी। ओके अनिल सर, ये अफवाह है कि आप हर फिल्म में खुद को दूसरे एक्टर से छोटा बताते हो, लेकिन जब पैसों की बारी आती है पेमेंट की तो आप सीनियर बोल के ज्यादा मांगते हैं। ये कैसे पता चला यार तुमको? कैसे पता चला? How did you come to this? John is saying yes. सर देखिए आपके कोई एक्ट्रेस बोल रहे हैं, पर आजकल लोगों को पैसा बॉडी के हिसाब से मिल रहा है। ओके अर्शद भाई, ये अफवाह कि आप फ्री टाइम में ज्यादातर पढ़ाई लिखाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप आने वाले समय में रेलवे में भर्ती होके लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। ये वाकई में अफवाह है, डेफिनेट अफवाह है। पढ़ाई लिखाई मेरा कोई लेना नहीं। सर आपके डायलॉग्स जो हैं कितने दमदार होते हैं, जब बोलते हैं मजा आता है स्क्रीन पे। मैं आपको एक गेम खिलाता हूँ, लेके आई जरा बैलून्स। जॉन आपसे शुरू बात करता हूं मैं, आपने अपना कोई भी एक मनपसंद डायलॉग बोलिए और ये हाथ में पकड़ के बोलना है। एक बार वो बोल के उसके बाद इसको, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको आपको इनहेल कर लेना है, उसके बाद वापस वही डायल�ग बोलना है। तो पहले डायलॉग बोलो, पहले डायलॉग बोलो, फिर उसके बाद ये इनहेल करके वही डायलॉग सेम बोलना है आपको। ओके, मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। वाओ। मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता। ये क्या है? एक बार और करना। मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता। आपकी बारी अनिल सर। नहीं सर, चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग नहीं करूंगा। मानता हूँ तेरी पसंद को फादर,
मस्का है एकदम चकास। अबे दूध पी रहे हो? दूध पी रहे हो? मानता हूं तेरी पसंद को फादर। मस्का एकदम धकास। ये तो चीटिंग है ना? इससे ये चीटिंग है। नहीं क्यों? हमने इससे जाहिर होता है अनिल कपूर पे किसी भी चीज का असर नहीं होता। उर्वशी की आवाज बेस में निकलेगी इसके बाद। उर्वशी आप पहले कुछ भी जो भी आपको बोलना है, अच्छा सब मेरे बारे में जो भी आपको बोलना है। ओके कपिल, यू आर लुकिंग सो हॉट। थैंक्स उर्वशी, थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बाकी भी एक सेंटेंस में बन नहीं रहा पर अंदर है फीलिंग। तो ये पहले नॉर्मल कुल डायलॉग बोलिए। कपिल यू आर लुकिंग वेरी हॉट बोल दिया ना? दूसरों का बड़ा ध्यान रहता है, अपना चीटिंग करते हो आप। प्लीज गो अहेड। बोलो चलो। इनहेल इट। कपिल यू आर लुकिंग सो हॉट। अर्शद भाई चलो कौन सा डायलॉग बोलेंगे आप? मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूँ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूँ। कितने बार भी फेंका उठा लूंगा मैं। एक दो अनिल सर को भी दे दो। तेजाब का सर मजा तो उसमें आएगा। हाँ हाँ मैं तेजाब हूँ, मैं कबूल करता हूँ मैं तेजाब हूँ। तो चलिए उनको बुलाते हैं। उर्वशी हॉट लग रही हो। प्लीज वेलकम अनीस बज्मी। अनीस बज्मी आ जाइए। अभी नहीं सच में ना आ जाएं। चलो सबको एक एक फूका देके बाहर निकल। अच्छा मैम आप भी ट्राई करो। अर्शद भाई इनको भी ट्राई करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। एक अर्चना मैम को भी देख रहा हूँ। अर्चना जी अच्छा अर्चना डायलॉग इंस्टेंटली करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। ओ ठोको ताली। ओ छा गए गुरु। Thank you, bro. Thank you so much. Very nice. What fun, yeah. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.